नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है पोषक तत्व है, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। और उसमें से श्योर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन है वो पुटअप होता ही रहता है। तो अपना जो टॉपिक है वो है, उसके हेडिंग है वो है पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व है, इसके बारे में अपन जो डिटेल से मेन मेन चीजों को अपन कवर करते हैं। और पोषक तत्व है वो क्या है कि पौधे की जितनी भी जो अपचयी क्रियाएं होती है उसके लिए जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी खनिज पदार्थ है या जो भी तत्व है वो आवश्यक होते हैं, और उन तत्वों के बिना है वो पौधा है वो अपनी है वर्दी है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। तो उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर में है वो पोषक तत्व पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि है एग्रीकल्चर के जो पौधे हैं या फसल है इन पोषक तत्वों के लक्षण शो करती है, और ये किसान के लिए भी अति आवश्यक जो टॉपिक है। अब अपन बात करते हैं पोषक तत्वों में कि जो पोषक तत्व है वो कुल पोषक तत्व है पौधे के लिए कितने हैं। तो कुल पोषक तत्वों में हम चर्चा करते हैं कि पौधों के लिए कुल आवश्यक पोषक तत्व, कुल आवश्यक पोषक ये कितने हैं। ये है 17 है। इस जो अभी की जो टाइम है, पहले क्या था कि जो कुल आवश्यक पोषक तत्व थे वो 16 थे, और फिर क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट था, जो ब्राउन जो साइंटिस्ट था, उसने 1987 में एक निकल है उस पोषक तत्व की वापस खोज की, तब जाकर के ये 17 हुआ। पहले 16 थे, 16 प्लस 1, तो ये कौन सा था, वो था निकल। और इसकी खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता वो है ब्राउन इन 1987, इस वर्ष इसने खोज करके और ये आवश्यक पोषक तत्वों में इसको ऐड किया गया। नहीं, पहले जो पोषक तत्व थे वो 16 ही आवश्यक माने गए थे। अब अपन बात करते हैं कि आवश्यक पोषक तत्व दिए किसने हैं, ये आवश्यक पोषक तत्व किसने खोजे हैं, या इसको आवश्यक क्यों कहा है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत की बात करते हैं अपन। तो आवश्यक पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी ये किसके द्वारा दी गई थी, ये था आर्नोन व स्टाउट, इन्होंने इनकी खोज है 1939 में की थी। अब फिर क्या हुआ कि जो आर्नन और स्टाउट ने है वो आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी दी, और फिर उन्होंने क्या दिया आवश्यक पोषक तत्वों में, उन्होंने क्या तीन है वो नियम है वो प्रतिपादित किए, और वो तीन नियम कौन कौन से थे उसके बारे में अपन देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि पौधे किसी आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के बिना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा कि पहले जो आवश्यक पोषक तत्वों का सिद्धांत था, या तीन उन्होंने आवश्यक पोषक तत्वों के सिद्धांत दिए थे। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि आवश्यक पोषक तत्वों के सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए और कितने थे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आवश्यक पोषक तत्वों के सिद्धांत है वो आर्नन व स्टाउट द्वारा 1939 में दिया गया, और इसके जो पहला सिद्धांत था वो ये था कि पौधे किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकते। मतलब कोई भी आवश्यक जो पोषक तत्व है यदि उसकी कमी हो जाती है तो पौधा है वो अपना जीवन चक्र है वो पूर्ण नहीं कर सकता। अब उसके बाद में दूसरी है वो सिद्धांत कौन सा था, वो ये था कि
पौधे में किसी एक पोषक तत्व की कमी को दूसरे पोषक तत्व द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि कोई भी एक पोषक तत्व है, जैसे नाइट्रोजन है, उसकी कमी के लक्षण है, वो पौधा शो कर रहा है या दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो उसकी पूर्ति है वो नाइट्रोजन द्वारा ही की जाएगी, अन्यथा किसी दूसरे द्वारा नहीं की जा सकती। तो दूसरा सिद्धांत उन्होंने ये दिया था कि पौधे में किसी भी एक पोषक तत्व की कमी होती है तो वो उसी पोषक तत्व द्वारा पूर्ण की जाएगी। तीसरा है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि जो पोषक तत्व है पौधे की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। पोषक तत्व पौधे की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह उपापचयी क्रियाएं क्या होती है? जो भी क्रियाएं पौधे द्वारा की जाती है, जैसे मान लो कि फूलों का बनना, वृद्धि है, और या फिर उसके बाद में है कि फल बनना, ये क्रियाएं हैं या ग्रोथ है, सब कुछ है वो जो उपापचयी क्रियाओं में आती है, तो वो किसी पोषक तत्व के बिना है वो पूर्ण नहीं होती, या उसके बिना या पोषक तत्व है वो उस क्रियाओं के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो ये आपने समझ लिया होगा कि जो आवश्यक पोषक तत्व यदि पूछे जाते हैं तो वो कितने हैं? 17 है। और जो निकिल के खोजकर्ता है वो ब्रोन है। और जो आवश्यक पोषक तत्व का सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया था? आनंद स्टॉवर द्वारा 1939 में। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, वो है कि इन्होंने फिर क्या किया कि आर्नन ने खुद ने है वो उसकी पुनः खोज की, और उसने पुनः वो एक्सप्लेन किया, उल्लेखित किया इन आवश्यक पोषक तत्वों को 1954 में। ठीक है, कितने साल बाद में? 15 साल बाद में। तो 15 साल बाद में उन्होंने क्या किया कि वापस उनको उल्लेखित किया, और वापस उसमें कोई ना कोई जो इसमें है संशोधन किया। अब उसके बाद में है वो एक साइंटिस्ट और है जो इससे रिलेटेड है। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? उसने दिया था क्रियात्मक पोषक तत्व। अब उन्होंने एक सिद्धांत दिया था क्रियात्मक पोषक तत्व, फंक्शनल एलिमेंट। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था निकोलस निकोलस, और इसने कब दिया था? 1961 में। अब ये क्या है कि क्रियात्मक पोषक तत्व कौन से हैं, जो फंक्शनल एलिमेंट कौन से हैं? उन्होंने ये बताया था कि ये आवश्यक पोषक तत्व तो है ही, लेकिन इसके अलावा कई पोषक तत्व ऐसे हैं जो पौधे की क्रियात्मक क्रियाओं में आवश्यक है, और उनका रोल मुख्य है। वो कई ऐसी फसलें हैं जिनमें उन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण शो होते हैं, और उनके बिना उनका जीवन चक्र नहीं चल सकता। तो उन्होंने फिर क्या किया था कि जो 4 है वो और जो पोषक तत्व है वो उनमें ऐड किए थे, तो 17 और फिर प्लस है 4, तो 21 पोषक तत्व है। यदि क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है कि जो क्रियात्मक पोषक तत्व है वो कितने हैं, वो 21 है। यदि ऐसा पूछा जाए कि आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं तो वो कितने हैं? 17 है। आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। अब उसके बाद में क्या है कि यदि अपन बात करते हैं, यह आवश्यक पोषक तत्वों की जो बेसिक बात हो गई, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, वो करते हैं पोषक तत्वों का वर्गीकरण, मतलब इनको पोषक तत्वों को है वो किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, और कौन से पोषक तत्वों को किस कैटेगरी में रखा गया है, इसके बारे में अपन देखते हैं पोषक तत्वों का वर्गीकरण। और पोषक तत्वों के वर्गीकरण में क्या है कि इनकी मात्रा के आधार पर वर्गीकरण है। पहला पहला वर्गीकरण कौन सा है? जैसे मात्रा के आधार पर वर्गीकरण है तो आवश्यक पोषक तत्व डालते हैं यहाँ पे, आवश्यक पोषक तत्व है। आवश्यक पोषक तत्व में देखो दो प्रकार की कैटेगरी है,
एक तो है आधारभूत पोषक तत्व, आधारभूत पोषक तत्व। इसका दूसरा नाम हो सकता है, वो हो सकता है एथनीज पोषक तत्व, एथनीज पोषक तत्व। फिर उसके अलावा इसका नाम हो सकता है संरचनात्मक पोषक तत्व, क्योंकि ये क्या है, पौधे का 96% पार्ट है वो कवर करते हैं, इसलिए इनको आधारभूत है, खनिज है और संरचनात्मक पोषक तत्व है कहा गया है। खनिज पोषक तत्व क्यों कहा गया है, क्योंकि यह पोषक तत्व है वो कोई मर्दा या किसी भी है वो दूसरी मर्दा से रिलेटेड है, वो पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं या मर्दा द्वारा वो प्राप्त नहीं होते, वो क्या है वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में रहते हैं और फ्रीली पौधों को प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको अखनिज पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये खनिजों के अपघटन से नहीं मिलते, इसलिए इनमें कोई खनिजों की आवश्यकता नहीं है और ये जो पोषक तत्व है ये वातावरण में इजीली मिल जाते हैं और ये इसमें कोई फ्री नहीं मिल जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से पोषक तत्व है, ये सी एच और ओ। अब अपन बात करते हैं कि सी एच ओ है वो पौधे का है 90% पार्ट है वो कवर करते हैं, तो कौन कौन सा है आयन है या कौन कौन सा तत्व है कितना पार्ट कवर करता है, तो ये देखते हैं। यदि अपन सी की बात करते हैं कार्बन की, तो ये है कम से कम है 45% जो पौधे का जो भाग होता है वो कार्बन का बना होता है। उसके बाद में हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का है वो 6% पार्ट है वो हाइड्रोजन से बना होता है, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 45% पार्ट है पौधे का वो ऑक्सीजन द्वारा बना होता है। ये पूरा 96% पार्ट है वो किसका बना होता है, केवल सी एच और ओ का बना होता है, जिसमें कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है पौधे को और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, न कोई किसान को देने की जरूरत होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। अब केवल 4% पार्ट, 4 से 5% जो भी भाग है वो केवल किसान द्वारा जो मृदा को या पौधे को देना होता है, और ये 4% भाग है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है वो अपने खनिजों द्वारा या किसी भी कार्बनिक पदार्थों द्वारा पूर्ति करना आवश्यक रहता है। ये तो हो गया अपने आधारभूत पोषक तत्व है इनका वर्गीकरण। अब अपन बात करते हैं दूसरे हैं वो है जो खनिज पोषक तत्व है, खनिज पोषक तत्व है। खनिज पोषक तत्व का मतलब ये है कि ये पोषक तत्व है ये खनिजों के अपघटन द्वारा या मृदा द्वारा पौधों को प्राप्त होते हैं। अब इसमें क्या है कि दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है, इसमें जो पहला है वो है मुख्य पोषक तत्व, मुख्य या दृक् या मेजर एलिमेंट, ठीक है, इसको ये बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व है, दृग या मेजर एलिमेंट पोषक तत्व है ना। अब इसके बाद में है इसका वर्गीकरण की बात करते हैं, तो ये है लघु या माइक्रो पोषक तत्व। तो इस प्रकार है ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मुख्य में कौन कौन से आते हैं और लघु में कौन कौन से आते हैं, मैक्रो में कौन कौन से आते हैं। तो मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं ये इनमें है, इनमें फिर दो भागों में उनको डिवाइड किया गया है, दो भागों में फिर से बांटा गया है, जिसमें है प्राथमिक पोषक तत्व है, जिसमें है प्राथमिक पोषक तत्व, दूसरा है द्वितीयक या गौण पोषक तत्व, अब इनको याद करना है बस। ये था क्लासिफिकेशन, अब इनको याद करने का तरीका है वो आपको ट्रिक के रूप में बताते हैं, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं और द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं और लघु में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। प्राथमिक पोषक तत्वों की देखो ट्रिक है, और इस ट्रिक से अपने को सारे पोषक तत्व याद हो जाएंगे, आपको ट्रिक वाइज याद करना है, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है,
और ये बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व के एग्जाम्पल याद करने के तरीके ये है कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं। पहले तो अपन बात करते हैं कि जो मुख्य पोषक तत्व है और लघु पोषक तत्व है इनको कैसे डिवाइड किए हैं। पहले इनका क्लेरिफाई करें कि वह पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता 1 ppm से अधिक होती है। वह पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता पौधे की जो अपचयी क्रियाओं में या पौधे की जो मेटाबॉलिक क्रियाओं में 1 ppm से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है उनको मेजर एलिमेंट या मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। ये ppm क्या है इसके बारे में कुछ देखते हैं अपन, क्योंकि फिर आपके दिमाग में रहेगा कि ppm क्या है। ये है पर पार्ट मिलियन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि ये इसकी कितनी मात्रा होती है कि 1 mg कोई भी चीज होती है उसको यदि अपन 1000 ml 1 लीटर बोल सकते हैं उसको, या ml 1 लीटर पानी में है वो उसको डिजोल्व करते हैं तो वो 1 ppm का घोल तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार है वो आपको इसकी फुल फॉर्म और ये घोल तैयार करने की जो मात्रा है वो भी ध्यान में रखनी है। अब इसमें जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को 1 ppm से अधिक की आवश्यकता होती है और जो लघु पोषक तत्व है इनको क्या होता है कि 1 ppm से कम पोषक तत्वों की अपनी ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है, इसलिए इसको लघु की कैटेगरी में रखा गया है। अब अपन बात करते हैं जो मुख्य पोषक तत्व है इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो प्राथमिक कौन कौन से और द्वितीय कौन कौन से। तो प्राथमिक के एग्जाम्पल देखते हैं तो वो है NPK। अब इनको याद करने का तरीका ये है कि अपन प्राथमिक पोषक तत्व है इनको फुल क्वांटिटी में देना है। कहने का मतलब यह है कि बिना नाप तोल के देना है। एनपीके का मतलब क्या होता है, नाप तोल के, है ना, बिना नाप तोल के, बिना नाप तोल के पोषक तत्वों को खूब देना उसको कहते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, बिना नाप तोल के, है ना। अब उसके बाद में है कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो सल्फर की बात है ये द्वितीयक में है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये पोषक तत्व है जो द्वितीयक है या गौण पोषक तत्व है, तो इनको आप इजीली याद हो जाएंगे। आपको एनपीके याद हो गए तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो रिमेनिंग है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर रह गए। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं वो है लघु पोषक तत्व है, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो उसको याद करने का तरीका ये है